कोई भी तहरीक होती है ना, उसमें जान उस वक्त पड़ती है जब हुकूमत का रद्दअमल, अगर हुकूमत का रद्दअमल ऐसा होता है कि किसी जलसे जुलूस को ज़ोर ज़बरदस्ती से रोका जाए, तो आम तौर पे वो तहरीक कहीं ना कहीं जान पकड़ जाती है। अगर हुकूमत ने अलाउ किया कि जी जलसा करना है जलसा कर लें, कोई रैली निकालनी है रैली निकाल लें, वहाँ तक अगर बात रहती है, तो पहली चीज़ ये है कि जो जिस तरह की जमातें हैं जो इस अलायंस का हिस्सा हैं, उसमें दो तीन जमातें ऐसी हैं जिनके पास एजिटेशनल पॉलिटिक्स की कैपेबिलिटी है। स्ट्रीट पावर के लिहाज से जमात इस्लामी ले लें, आप JUI ले लें, आप तहरीक इंसाफ का टेस्ट होगा, और टेस्ट ये होगा क्योंकि तहरीक इंसाफ इस अलायंस में सबसे बड़ी जमात है और सबसे ज़्यादा मुश्किल में भी तहरीक इंसाफ है। उनका कितना वर्कर निकल के इस अलायंस में जलसे जुलूसों में आता है ये देखना है, और जो क्रैकडाउन होगा, अगर क्रैकडाउन होता है तो क्रैकडाउन का सबसे प्राइम टारगेट तहरीक इंसाफ खुद बनेगी इसका। तो क्या उस अलायंस की खदोखाल अभी हमें नहीं पता, उस अलायंस के जो एजेंडा है वो हमें नहीं पता। क्या वो एजेंडा सिर्फ कन्फाइंड रहेगा कि जी ये इंतखाबात फ्रॉड थे और नए इंतखाबात कराए जाएं, या एक ब्रॉडर वो होगा? देखिए, PNA का एजेंडा जो था 77 में वो बहुत लिमिटेड था, उनका सीधा सीधा था कि जी इलेक्शन वो है और ये गवर्नमेंट जो है जाए। MRD का एजेंडा बहुत मुख्तलिफ था, MRD का बहुत बड़ा वसी इतिहाद था MRD, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल भी रहा। इसमें PDM, आप देखें कि PDM में इख्तलाफ किस बात पे हुआ PDM के अंदर और पीपल्स पार्टी में, कि जी पहले रेजिग्नेशन दी जाए या पहले लॉन्ग मार्च किया जाए। तो अब देखना ये कि इस अलायंस के खदोखाल क्या होते हैं। अब अगर जमात इस्लामी इसका हिस्सा बनती है और जमात इस्लामी तो वो और PTI के दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है माजी में, इसमें बल्दियाती इलेक्शन ले लें, वो तो कौमी इंतखाबात में भी साथ जाना चाह रहे थे। तो असल चीज़ ये है कि देखना इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, PTI वालों के लिए और इवन JUI वालों के लिए ख़ास तौर पे और दूसरी जगहों में जमातों के लिए, वर्कर के लेवल पे एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी इस वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि PTI का वर्कर सारी पूरी पिछले चंद सालों में मौलाना डीजल के नाम से मौलाना फजलुर्रहमान को पहचानते रहे हैं, अचकज़ई के हवाले से उनके ख्याल बड़े मुख्तलिफ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि ये चीज़ें कम हुई हैं, ख़त्म अगर नहीं भी हुई हों, तो हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि जब ये फॉर्मल मूवमेंट लॉन्च होती है, क्या ये प्रॉपर एक मूवमेंट होगी जिसका एक लंबा लायमल आएगा कि जी इस दिन हम जलसा करेंगे, इस दिन धरना करेंगे, इस दिन हम हड़ताल करेंगे, या ये महज एक लॉन्ग मार्च होगी इस लाहौर या कहीं से भी या पेशावर से टू इस्लामाबाद, और उसके बाद वहाँ धरना होगा, और फिर हुकूमत का रद्दअमल इस पर क्या होगा? हुकूमत बाय फोर्स इसे रोकना चाहेगी, या हुकूमत जो है वो अलाउ करेगी कि जी धरना कर लें, आप जलसा कर लें, जुलूस कर लें? तो दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। गवर्नमेंट का ओवर रिएक्ट तहरीक जान पकड़ जाती है अगर गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट करती है, तो हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके।